नमस्ते दर्शकों, मैंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग में देखा था, एक मीडिया ने हमारा जो पालिन का एक एमएलए है बालू राजा सर, एक ऑनरेबल है कि मेरा दिल से उसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि 60 एमएलए में से मेरा दिल उसको बहुत अच्छा मानते हैं, एक मैच्योरिटी वाला एमएलए है कि कभी तो मैंने पर्सनली मिला तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल से उसको बहुत अच्छा लगते हैं वो एमएलए को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उसका एक प्रेस ब्रीफिंग देखा कि मेरा जो इशू चल रहा है कि प्रो देम मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने काफ़ी सारा रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम काफ़ी चीफ मिनिस्टर को भी दिया और जो गवर्नर को भी जो इंटरफेंस करना था उसको काफ़ी हम लोग करने के देने के लिए बहुत काफ़ी एफेल किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो कल उन लोग सरकार का तरफ से, बीजेपी का सरकार का तरफ से एक उज्जवल भारत भविष्य 2047 का एक पावर उन लोग जो है इसमें प्रोग्राम कराया, कार्यक्रम कराया था। तो इसमें मैंने देखा कि एक मीडिया ने उसको पूछा है कि प्रो देव ने डे वन से चिल्ला रहा है हाइड्रो पावर में करप्शन है, ये है, ईडी ऑफिस नहीं है बोल के एक पूछा है। तो ये हमारा एमएलए जो बालू राजा साहब ने कहा है कि हाइड्रो पावर करप्शन बात नहीं है बोल के इसने कहा है। तो मैं तो क्लियरली बोलना चाहूँगा सर, ये अनफॉर्चुनेटली आपने ये बात कही है तो मैंने आज इस अरुणाचल हेडलाइंस चैनल का माध्यम से मैं बताना आपको रिप्लाई करना चाहूँगा कि और ये आप जो है एक समाज को गलत मैसेज दे रहा है आम जनता को। एक्चुअल में जो मैंने अपफ्रंट मनी जो सरकार जो लिया गया था 1495 करोड़ कि आप उसको घोटाला में अगर नहीं है सोचता है तो मैं तो क्लियरली आज भी बोलता हूँ कि आप कौन सा सड़क बनाया, कौन सा बिल्डिंग में यूज किया और किस हिसाब से पब्लिक का फ़ायदा मान के लिए आपने इस अपरोड मनी को यूज़ किया है। तो आप वाइट पेपर में दिखाए सरकार लोग तू भी फ्रेंकली आप दिखाता है तो मैं कुछ बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पैसा जो है लिया गया है ये है। और सेकंड पॉइंट इसमें कहा है कि ईडी ऑफिस, देखिए ईडी जो है ऐसे होता है एनएचपीसी में, ईडी का मतलब एजुकेटिव डायरेक्टर जो है अपना अपना कंसर्न प्रोजेक्ट में होता है कि आपका दिबंग वैली में हो गया एक ईडी हो गया एनएचपीसी का, उसका बाद लोअर दिबंग वैली में और लोअर सुबनसिरी में एक प्रोजेक्ट में एक ऐसे ऐसे अपना ईडी है। तो ये सारा का सारा ईडी का कंट्रोल जो है दिल्ली में होता है जो एनएचपीसी सीएमडी का उदाहरण है। तो हम लोग का फ्रो देम का कहना है कि जो एनएचपीसी जो अरुणाचल में जितना जो काम चल रहा है, जो इनिशियली जो चल रहा है, तो उसको मैनी कॉर्पोरेट ऑफिस एक बनाने के लिए मैंने कहा था कि जितना जो अरुणाचल में जो एनएचपीसी जो काम कर रहा है ताकि एक मैनी कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएगा तो सारा अरुणाचल का जितना एनएचपीसी काम जो उस मैनी कॉर्पोरेट ऑफिस में ही सब कुछ एवरीथिंग हैंडल, क्योंकि हम लोग को जितना जो अरुणाचल जो है बहुत तकलीफ होता है यहाँ ऑफिस नहीं होने का कारण से। आप यहाँ काम कर रहा है हम लोग को एक छोटा सा पेपर के लिए दिल्ली दौड़ना पड़ता है तो हम लोग कितना दिल्ली दौड़ते रहेंगे, ये हम लोग का तरफ से मकसद था। तो इसमें एमएलए साहब ने कुछ ईडी ऑफिस यहाँ में है बोल के इसने कहा कि ईडी ऑफिस तो एक कंसर्न प्रोजेक्ट में ही होता है। तो उसका बात में वो एक बोला है कि ईडी ऑफिस जो ईटानगर में है तो उसको हर कोई समझता है कि इसमें ईडी ऑफिस है, ईडी ऑफिस जो सिर्फ दो प्रोजेक्ट के लिए कंसर्न रखा गया है जो ईटानगर में ईडी ऑफिस है, जो आपका मेडल कमला में एक प्रोजेक्ट है एनएचपीसी का तो उसको अभी सर्वेयर चल रहा है वो लोग का और डीपीआर ये सब बनाने उसके लिए एक्चुअली वो सिर्फ दो प्रोजेक्ट के लिए रखा गया। और एक जो है अभी सियांग जो रिवर है तो उसको एनएचपीसी को 10,000 मेगावाट का अभी इनिशियली कर रहा है तो उसके लिए कंसर्न सिर्फ दो प्रोजेक्ट को देखने के लिए सिर्फ वो ईडी ऑफिस जो रखा गया। और खासकर आज का डेट में देखिए ये तो मैं तो आज भी क्लियरली बोल रहा हूँ कि हाइड्रो पावर जो है बहुत बड़ा करप्शन है,
कि इसमें मैंने देववन से चिल्ला रहा है कि इसमें इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, आज तक उन लोग नहीं दे पा रहा है। तो उसका ऊपर में और लाइबिलिटीज 30 बना के रखा है हाइड्रो पावर ऑफिस। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा MLA साहब ने अपने तो कहा कि एज आप ऐसे भी है कि अरुणाचल हाइड्रो पावर का आप एक एडवाइज़र है, आपका पास काफ़ी नॉलेज है, तो हम लोग को भी बुला के ये सब में बारे में बात कर सकता है। अगर आपका पास में जो कुछ कमियां है वो भी हम लोग शेयर कर पाएंगे। ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि ये हाइड्रो पावर इशू जो है, एडवाइज़र साहब को मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर ये सिस्टम से करेगा आपका BJP सरकार जो है, अगर सिस्टम से चलेगा विद इन 5 साल का अंदर में कोई भी अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिस्टम को नहीं किया गया है। यही हम कल का जो प्रेस स्टेटमेंट को तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो है गलत मैसेज आप जो है जनता को दे रहा है। और देखिए जैसे कि कमिंग प्रोजेक्ट में हो गया 600 मेगावाट है, तो इसमें से है आपका पर मेगावाट में सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का तरफ से तो 1.76 नौकरी देने के लिए इसमें एग्रीमेंट करके रखा गया है, तो उस एग्रीमेंट को भी तो बिल्कुल पालन करने में BJP सरकार को क्या खराब है। देखिए इसमें ऐसे होने से आपका 1048 नौकरी है, इसमें पावर रिक्रूटमेंट सिर्फ 262 लिया गया है, तो अभी कितना अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ में एक दो पोस्ट के लिए, एक LDC होगा, UDC जो भी पोस्ट, एक 10 पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ आपका स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव के लिए आता है। यहाँ तो हज़ार का नौकरी ऐसे ही फ्री में पड़ा हुआ, उसको BJP सरकार क्यों इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता। ये है उसका बात में देखो, लोअर सेवनश्री में अभी जो प्रोजेक्ट NHPC चल रहा है 3000 का नौकरी है, उसको क्यों BJP सरकार इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता। और रंगा नदी में देखिए, हम क्लियरली आप लोग को आम जनता को बता रहा हूँ कि दिल बहुत दुख का बात है, ये जो आप लोग एक छोटा सा बीप के लिए इतना सोशल मीडिया में हंगामा मचा देता है। अरे हम तो बीप कहता है, हमारा घर में बीप नहीं लिखने से भी जो बीप कहता है बीप तो मिलेगा। तो आप एक्चुअल चीज़ को आप लोग हमारा यहाँ का युवा लोग भी बात करते नहीं, जो रंगा नदी एक्चुअली वो रंगा नदी नहीं है, वो पंजर नदी है, हमारा लोकल का नाम है पंजर नदी अजाली में जो है, उधर में एजुकेशन मिनिस्टर खुद भी है, उसका ऊपर में बात करने के लिए रेडी नहीं है तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा। अरे उसको पहले बात करना पड़ेगा ना, तो यहाँ का आम आदमी जितना जो युवा पढ़ा लिखा लोग में बात करो, अब बीप का पीछे में इतना क्यों पड़ा हुआ है। एक रंगा नदी, एक दिन दहाड़ा रंगा नदी बना के रखे आप लोग को, अजाली जाके रंगा नदी कौन सा रंगा नदी है, कहाँ में है, देखो ये है, इसमें रंगा नदी में है 700 का ज़्यादा नौकरी है, उसको पावर रिक्वायरमेंट किया है सिर्फ 198, उसका बारे में आप लोग बात करो। थाउजेंड्स ऑफ यहाँ में रिक्वायरमेंट जो ऐसे पीढ़ी में पड़ा हुआ है, उसका ऊपर में बात नहीं करते हैं। तो हम लोग देव वन से बता रहे हैं कि रेडी आप लोग ऐसे में साथ दो, तो उसका ऊपर में आप लोग चर्चा करिए। तो ये देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये BJP सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट कराने में उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उन लोग चाहता नहीं कि हमारा अरुणाचल जो आगे बढ़ो। अरे जो NHPC नेपको का ऑफिस को अरुणाचल में बिताने में आप लोग को क्या खराब है, बहुत खराब है क्या? हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता। जो तेजपुर में ईडी ऑफिस के लिए लिया गया उसको आप लोग बात करो, एडवाइज़र हाइड्रो पावर एडवाइज़र आप बात करो। जो गुवाहाटी में अरुणाचल का गेस्ट हाउस को बना के रखा है नेपको पार्टी ने, क्यों बात नहीं करता है? बात करो, नॉलेज नहीं तो हम लोग को बुलाओ, हम बताएगा, पीसफुली डिस्कस करेंगे, हम लोग हमारा अरुणाचल पैदा के लिए डिस्कस करेगा। ऐसे नहीं कि हम आपको रोज़ एलिगेशन डालते रहना, ये भी तो बात नहीं है। आप और हम मिलके अगर चीज़ को आगे बढ़ाएगा, ये हाइड्रो पावर जो है अरुणाचल को आगे ले जा सकता है। आज का डेट में कौन कहता है अरुणाचल जो है धनी नहीं है? अरुणाचल सबसे देश का नंबर 1 धनी वाला स्टेट है। ये स्टेट जैसे कहीं में भी आप नेचुरल रिसोर्स का है ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो रोज़ रेवेन्यू देता है, लेकिन हमारा अरुणाचल में सिर्फ 12% के लिए गिनते रहता है।
हम क्यों 12% लेगा? अरे हम हमारा स्टेट में हाइड्रो पावर बन रहा है, हमको 60% देना चाहिए जब बाहर का लोग काम करता है तो। ये एग्रीमेंट कर सकना है ना? अगर ये कर नहीं सकता है तो आप छोटा सा एक चीज़ को कैसे आप कर क्लैरिफाई कर सकता है? ये 1495 करोड़ जो उसको आप घोटाला नहीं बोलता, इतना आसान से आपने बोल दिया। और अभी जो ईडीओपी कल एक मीडिया ने पूछा है कि कुलप तुकर, एक्चुअली ये जो धेमाजी में है ईडीओपी से, वो बस कंसर्न उसका एक ही प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ बता हुआ। इसमें कुलप तुकर जो है वो गिरगामुख का वो कंसर्न अपना जो जहाँ में प्रोजेक्ट है अरुणाचल में है, इसमें ऑलरेडी ईडी ऑफिस बनाया, लेकिन उसको असम पार्टी ने इधर उधर करके, उधर का एनएचपीसी का जो ईडी भी तो बहुत झमेला वाला आदमी था, तो कर करके उधर का ऑफिस को सेटअप को धीरे धीरे करके धेमाजी में ले गया। अभी 99% उसका असम का बेनिफिट मिल रहा है, उसका ऊपर में सरकार क्यों बात नहीं करता? आप इतना इजीली बोलता है कि ईडी ऑफिस यहाँ में है। और अभी सुनने में आया है कि जो एनएचपीसी का जो ऑफिस को है आप होलोंगी में बनाने जा रहा वाला, होलोंगी में बनाने से भी 80% ही असम जो इंजॉय करेगा। क्यों हमको समझना क्या अरुणाचल में या ईटानगर प्रिंस कैपिटल का अंदर, ये यूपिया में भी तो सारा ऐसे ही ज़मीन पड़ा हुआ एक ऑफिस बनाने के लिए। अगर ज़मीन नहीं तो हम दे देगा, तो हमारा साथ बात करो सरकार लोग ऑफिस बनाने के लिए। ये सब को बात करता नहीं, आप सिर्फ चमचागिरी में चलते रहेगा। ये चमचागिरी कब तक चलते रहेगा? क्या पता आप लोग कल एमएलए भी नहीं हो सकता है, आज है तो, लेकिन टू बी फ्रेंकली पब्लिक के लिए आप लोग बात करो कुछ पल के लिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए आप सिर्फ पब्लिक के लिए बात करो। ना जाने कल को आपको क्या पता कि आपका कुर्सी जो है आन लकीली भी, आप जब भगवान साथ नहीं देगा तो एनी टाइम चला भी जा सकता है। आज लकी है, आप सप्ताह में हैं, आप ही बात करो, और समय अभी भी है। और हमने उस दिन 15 डेज का रिमाइंडर लेटर गवर्नर को दिया था, तो उस दिन 15 में ख़त्म हो गया। फिर हमने 25 के लिए धरना अप्लाई किया, पीसफुल धरना अप्लाई किया। फिर ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बोल के एक तो जो है 23 से लेकर 29 तक धरना होने का कारण से मेरा 25 का धरना जो रुक गया। आम जनता लोग चिंता मत करिए, उसका और भी हम असली वाला बात को हम उस धरना में बताएंगे। इसलिए मैंने 2 अगस्त के लिए मैंने अप्लाई करके रखा है कि अभी एसपी कैपिटल भी यहाँ में फैजन में नहीं है, तो पपुम परे एसपी को चार्ज दे के रखा, इसलिए वो क्लियरली बोला है कि वो 2 तारीख के लिए दे नहीं सकेगा। इसलिए हम एसपी साहब को आने देकर हम बात करेंगे। और सब आम जनता लोग आप 4 दीवार का पीछे में बैठ के ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये इतना में बेचेगा, ये बेचेगा, ये लिखना बंद करके अगर उस रैली में, उस धरना में आप लोग सब शामिल होगा, कितना करप्शन है तो आप लोग जानिए। सारा डॉक्यूमेंट को हम उस धरना में लेके आएंगे, आप पढ़िए, आप देखिए, हकीकत को जानिए। ऐसे 4 दीवार का पीछे में बैठ के आप वो करो, ये 10 रुपया में बिक्री करने जा रहा है, ऐसे करने जा रहा है, ये लिखना बंद कर देने से ठीक रहेगा। कि आज अभी एंटी करप क्या बोलता है अरुणाचल करप एगेंस्ट करप्शन, इसमें भी जाके आप लोग पार्टिसिपेट करिए। जो अच्छा लगता है तो उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, पॉलिटिकल मोटिव हो जो भी हो, लेकिन समाज के लिए फायदा है तो उसको लोग हम समर्थन करना चाहे। ये मेरा अरुणाचल में एक प्रॉब्लम है, यहाँ तेल देने से ही रैली में पार्टिसिपेट करता है हमारा युवा लोग, हमारा भाई बहन लोग। ये आप लोग समझना पड़ेगा आज का दिन में, कब तक आप तेल लेके इसमें धरना में अटेंड करें? वॉलेंटियरली आपका दिल मन को बना के लेके आए। इसलिए हम 2 अगस्त को हम रैली कराएंगे, तो आप लोग सब पार्टिसिपेट करिए कि ये जो है थाउजेंड्स, अब 2-3 लाख का नौकरी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारा अरुणाचल में आज का दिन में जाना जाता है सब ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल बोलता है, अगर ये हाइड्रो पावर इम्प्लीमेंट करेगा ना, कोई भी प्रेसिडेंट बनने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट में हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ अभी भी वक्त है, रैली नहीं कराने पहले आप हमारा एडवाइज़र साहब आप बुला के हमारा साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। और आपका हाइड्रो पावर मिनिस्टर चोना में डिसीजन करिए, अभी रैली नहीं कराने पहले आप भी डिस्कस कर सकता है।
क्या हंगामा करना है, पीसफुली डिस्कस से भी तो काम हो सकता है। ये हमारा अरुणाचल में हमेशा ही एक छोटा सा एक जिन चीज़ को धरना करना पड़ता है, रैली करना पड़ता है, बंद कॉल करना पड़ता है कि आप लोग बुला के पीसफुल से डिस्कस नहीं कर सकता है। ये है कल का जो प्रेस स्टेटमेंट था हमारा MLA, मेरा दिल से हम उसको बहुत अच्छा पाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो चीज़ को बोलना भी नहीं चाहता था होगा, लेकिन ये बोलने का कारण से आज आपको हम रिप्लाई देना पड़ रहा। तो इसलिए ये जो है बहुत सीरियस इश्यू है, उसको आप लोग मजाक में ना लीजिए, क्योंकि अरुणाचल में अरुणाचल को पूरा एक MOU का तौर पे पूरा बिक्री करके रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बचाने के लिए हम लोग आगे ले जाएंगे। आप लोग समर्थन करिए। धन्यवाद।